जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर पर्याय और द्रव्य का भेद समाप्त हो जाता है। अनंत पर परमात्माओं के दर्शन करके भी जो उपयोग पर परमात्मा में अभेद न हो सका, वह उपयोग एक समय में स्वरूप का आश्रय लेते ही स्वरूप में अभेद हो जाता है। उपयोग का उपयोग में समा जाना, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। उपयोग का उपयोग में अभेद होना, इसी का नाम निर्विकल्प होना है। पर परमात्माओं की भक्ति और पूजा करके भी अनादि काल से जो तृप्ति न मिली थी, एक समय की अपूर्व अनुभूति से वह शांति प्राप्त हुई, क्योंकि वह उपयोग परोन्मुखी था। और जो उपयोग परोन्मुखी है
वह उपयोग कहाँ है उसके विशेषों में जाने की जरूरत नहीं है उस जीव के लिए जो आत्मार्थी है, उस जीव के लिए जो पुरुषार्थी है, उस जीव के लिए जिसका एकमात्र प्रयोजन चैतन्य तत्व की आराधना है। इसलिए पर परमात्मा से कितना भी अभेद होना चाहे हम अभेद नहीं हो सकते। इसलिए हम रोज भगवान की भक्ति करते हैं मगर भीतर में एक खालीपन वैसा का वैसा ही बना रहता है। जो भी उल्लास आता है वह उल्लास भी नाम मात्र का है, जो भी आनंद आता है वह आनंद भी विकल्प की पूर्ति का है, जो भी सुख आता है वह सुख भी इंद्रिय सुख है और उस समय जो स्थिति है वह विकल्प की तरंग से अधिक और कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से देव दर्शन करके भी तृष्णा शांत नहीं होती, क्योंकि आग को पानी से बुझाया जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। और यह जो स्वरूप की ओर ढलने वाली जो परिणति है, नीज चैतन्य तत्व की ओर ढलने वाला जो शुद्धोपयोग है, यह शुद्धोपयोग से वह विकल्प की आग बुझ जाती है और एक समय के निर्विकल्प अनुभूति के अपूर्व पुरुषार्थ से विकल्प की आग बुझ जाती है। स्वयं का अहोभाव इतना हो कि पर परमात्मा भी आनंददायक न लगे, क्योंकि यह जागृति है कि कितना भी मैं पर में तन्मय होना चाहता हूं मगर फासला बना रहता है। फासला बना रहता है, वह फिर संयोगो हो या फिर विसंयोगी भाव हो, वहां फासला बना रहता है और उस फासले की वजह से ही अभेद होना नहीं हो पाता है। एक द्रव्य यदि दूसरे द्रव्य में अभेद हो जाए तो द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत ही समाप्त हो जाए। यदि द्रव्य प्रभाव रूप परिणमित हो जाए तो द्रव्य की ध्रुवता की महिमा ही मिट जाए। इसलिए नीज ध्रुव चैतन्य परमात्मा का अहोभाव जगाने के लिए यह भेद विज्ञान परम विज्ञान है कि पर परमात्मा पर है और नीज परमात्मा नीज है। पर परमात्मा सिर्फ आत्मा है, कितने भी परम आत्मा हो मगर आत्मा। आज तक ऐसा लगा था कि मैं आत्मा हूं और महावीर भगवान परमात्मा है। अब ऐसा अहोभाव आए कि महावीर भगवान भी परमात्मा नहीं है, सिर्फ आत्मा है। परमात्मा तो एकमात्र निज चैतन्य तत्व है और परमात्मा आत्मा भी नहीं है, परमात्मा मात्र जीव है, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्म शब्द में ही कितना गहरा भाव छुपा है। आत्म शब्द ही आत्मीयता को बताता है। आत्मीयता कहते हैं मेरी उसके प्रति आत्मीयता है। आत्मीयता माने अपनापन। आत्मा का अर्थ ही है जो अपना है वही आत्मा है। इसलिए जिसे हम परमात्मा कहते हैं वे परमात्मा नहीं है, पर आत्मा है। आत्मा तो एक ही है, इसलिए अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, मगर ये आत्मा तो मैं ही हूं आत्मा। इसलिए परम कृपालु देव ने जीव के बारे में इतना विशेष वर्णन नहीं किया, जीव की सिद्धि नहीं की। बहुत से ग्रंथों में जीव की सिद्धि की गई है मगर यहां परम कृपालु देव ने जीव की सिद्धि नहीं की, आत्मा की सिद्धि की है।
इसलिए इस शास्त्र का नाम आत्म सिद्धि शास्त्र है, जीव सिद्धि नहीं। इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का कर्ता है और भोगता है, आत्मा का मोक्ष है, आत्मा के मोक्ष का उपाय, ये सब छह के छह पद आत्मा से संबंधित है। और इसी का अहोभाव जगाने के लिए आज मुनिवर राम सिंह के इस दोहे को हमें समझना है। आज इस दोहे में मुनिवर राम सिंह निज परमात्मा की महिमा इतनी बताते हैं कि निज परमात्मा के दर्शन होने पर अब मैं किस परमात्मा के दर्शन करने चाहूं। परम तीर्थ की प्राप्ति होने पर तीर्थ क्षेत्र पर कौन जाएगा? सिद्ध पद की प्राप्ति होने के बाद समोसरण में विराजमान कौन होगा? मुनि धर्म का पालन होता हो, वहां पंच इंद्रिय के विषय भोगों की कल्पना कौन करेगा? जहां निर्विकल्प अनुभूति और जहां स्वरूप का स्वसंवेदन हुआ हो, वहां फिर पर की ओर ध्यान जाए तो वह ध्यान भी बाधक बनता है। फिर वह ध्यान किसके लक्ष्य से हुआ उस पर जोर नहीं है। सिर्फ इतना कि वह ध्यान आत्मा का था और आत्मा में टिका नहीं, बस ये महत्वपूर्ण है। आत्मा का उपयोग आत्मा में न टिका, इतना तो कि आत्मा का उपयोग आत्मा में न टिका। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर के पर पुरुष के पास जाती है, उन पर पुरुषों में दो प्रकार के पर पुरुष है, एक तो नीची जाति के और एक ऊंची जाति के, एक निर्धन दूसरा धनवान। मगर वह दोनों प्रकार के जो पुरुष है वे पर पुरुष है, और दोनों के साथ में यदि वह स्त्री जाती है और वहां विचरण करती है तो वह स्त्री व्यभिचारिणी है। वहां भेद नहीं करते कि सामने जो है वह कौन सा पुरुष है, ऊंची जाति नीची जाति, धनवान या निर्धन। परिवार जनों की ओर उपयोग जाता हो या फिर वितरागी परमात्मा की ओर उपयोग जाता हो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होने पर दोनों प्रकार के विषयों में उपयोग का जो वहां पर विचरण होना, वह ज्ञानी को ऐसा ही एक सा ही लगता है, इसलिए उसमें सुख की कल्पना नहीं करते। इसलिए पर परमात्मा की भक्ति करके भी थकान लगती है। हमने ये अनुभव किया है ना कि देव दर्शन करते हैं, थोड़ी देर दर्शन करने के बाद में थकान लगती है, बस ऐसा भाव आ जाता है। बस आत्मा की अनुभूति में वह बस वाला भाव नहीं आता, क्योंकि वहां विकल्प की पूर्ति होती है। जहां विकल्प की पूर्ति होती है वहां पर ऐसा लगता है कि बस ऊब पैदा होती है। निर्विकल्प ध्यान में लीन होने पर ही वहां विकल्प शांत हो जाते हैं। इसलिए वो जो विकल्प उत्पन्न होता था वह विकल्प ही नहीं रहा, वह विकल्प ही मर गया जो थकान पैदा करता था। ध्यान में जब लीन हुए तो ध्यान की लीनता के काल में वहां पर विकल्प नहीं है, और थकान का अनुभव विकल्प से होता है। विकल्प ही न हो तो थकान का पता ही नहीं चलता। जैसे निर्विकल्प ध्यान में भावलिंगी मुनिराज सातवें गुणस्थान में लीन है, तो सातवें गुणस्थान में उस लीनता में उन्हें थकान नहीं लगती। यहां तक कि स्वरूप में उपयोग इतना स्थिर होता हो और हर अंतर्मुहूर्त में स्थिर होता हो फिर भी थकान नहीं लगती।
अज्ञानी की स्थिति कैसी है? हमको ऐसा लगता है रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो सोते सोते भी हमें थकान लगती है, और ज्ञानी को किसी भी प्रकार की देह की क्रिया के काल में थकान नहीं लगती, क्योंकि कर्तृत्व का भाव वो थका देता है। फेरफार करने वाली जो वृत्ति है वह थका देती है, फेरफार करने की वृत्ति थका देती है। ये किया अब ये नहीं करूं, ये करूं, ये किया अब ये न करूं, ये करूं, ये जो फेरफार करने की वृत्ति है वह वृत्ति हमें थका देती है। और जो ज्ञान की सहज धारा रूप नदी जो बहती है ना, और हमारी गाड़ी भी चलती है, गाड़ी चलाते चलाते हमें लगता है कि बस थक गए, हम भी गति करते, हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं, मगर जो नदी का पानी बहता है वह बहता हुआ पानी बह करके थकता नहीं है, क्योंकि उस पानी के बहने में एक सहज स्वाभाविकता है और हमारे दौड़ने में कर्तृत्व का भाव है। जब उपयोग आत्मा में अभेद होता है, उस अभेद अनुभूति के काल में, निर्विकल्प के काल में, वहां सहजता है। इसलिए ये विचार आया ना कि मैं उपयोग को आत्मा में ले जाऊं, मैं अपने ज्ञान को आत्मा में ले जाऊं, आत्मा में ले जाऊं, ले जाने का भाव आता है तो जाता ही नहीं, क्योंकि वहां करना 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 करना। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के अंतर मुहूर्त काल पहले वो जो चिंतन भी चलता है ना, करण लब्धि के परिणाम में, उस करण लब्धि में भी जो चिंतन चलता है वह भी उपयोग को अंदर में ले जाने का चिंतन नहीं चलता। उस समय भी जो चिंतन चलता है एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व का, ध्रुव का ही जोर इतना होता है। आ जब गुरु की देशना सुनते थे, देशना लब्धि के काल में वाणी सुनते समय ये भाव आता था कि इस सुनी हुई वाणी का मैं प्रयोग करके अपने इस उपयोग को अंतर्मुख करूं, प्रायोग्य लब्धि में प्रयोग करता था, तो उस समय भी बीच बीच में ये भाव आता था कि प्रयोग करता था कि अब अपने में जाओ, अपने में जाओ, मगर जब करण लब्धि में आया जो आज तक घटित नहीं हुआ, क्योंकि ये नियम है कि पांचवी करण लब्धि में यदि जीव प्रवेश करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। वो चार तक पहुंच करके भी क्यों रह गया? क्योंकि जहां कर्तृत्व का, जहां फेरफार करने का भाव है वहां तक तो पहुंच गया था, जहां पर्याय का विकल्प चलता है वहां तक पहुंच गया था, मगर एकमात्र ध्रुव का ही जहां पर चिंतन चलता है करण लब्धि के अंतर मुहूर्त काल में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अंतर मुहूर्त काल पहले, ऐसा ध्रुव तत्व का जोर रहता है, ध्रुव का जोर रहता है। जो ध्रुव का जोर रहता है माने उस समय ये अभेद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अब वहां टिकना नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसे यहां पर अभेद पड़ी हो ना, जैसे बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और ऐसे पकड़ करके रखा है, उसे बोरी के अंदर लिपट करके, और फिर वो बर्फ पिघलता ही नहीं है, और बर्फ के ऊपर से वह आवरण हट जाए और टुकड़े होने लगे, और फिर उसे तुम हथेली पर रखो, वह पानी पिघलता जाता है, नीचे गिरता है। जब करण लब्धि में प्रवेश होता है तो वहां पर वो जो तत्व विचार और चिंतन चलता है, उस चिंतन के बल पर ही ये जो मिथ्यात्व का बर्फ है उसके टुकड़े होने लगते हैं, वो पिघलने लगता है। थोड़ी देर में हथेली खाली हो जाएगी, थोड़ी देर में वो जो मिथ्यात्व का भाव जो उदय में आ रहा है वह उदय उसका समाप्त तो हो जाएगा, मगर उसकी प्रक्रिया एक अंतर मुहूर्त की है।
मैं न्यायक हूं, न्यायक हूं, न्यायक हूं, न्यायक हूं, न्यायक हूं। वहां पर करने पर जोर नहीं रहा है, वहां विकल्प का लक्षण अलग दिखाई देता होने से वह कर्तृत्व के भाव को भी समझ रहा है और ज्ञातृत्व के भाव को भी समझ रहा है, उसका भाव भाषण हुआ है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व भाव भाषण होता है, थोड़ा थोड़ा उसका भाव समझ में आता है, मगर उसमें युक्ति है, उसमें तर्क है, उसमें अनुमान है, उसमें आगम के वचन है, उसमें अपना अनुभव मात्र नहीं है, बाकी सब कुछ है, मगर वो अनुमान जो प्रारंभ हो गया है, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा। अब अनुमान सच्चा है या झूठा है उसका पता कैसे चले? जब तुम आज पूरा जो यहाँ पर दोहा है वो अंतर में लीन होने ही, अंतर में चैतन्य में स्थिर होते ही, अब पर परमात्मा से जो उपयोग हट गया है, जो विचार चल रहा था उस विचार में वह अभेद निर्विकल्प कैसे हुआ, कैसे पता चला कि जो चिंतन चल रहा था वह सच्चा था? जितना जितना वो विकल्प के साथ में हमें यात्रा मेरी चल रही है ऐसा लगता हो, तो समझना कि चिंतन में कहीं गड़बड़ है। यदि आकुलता का भाव अभी कम न हुआ हो, आकुलता का भाव कम न हुआ हो तो चिंतन में गड़बड़ है, मंद होता है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन वेदन नहीं होता, वेदन तो अनुभूति होने पर ही होगा, अनुभूति से पूर्व आकुलता मंद होती है, निराकुलता की अनुभूति नहीं है, मिथ्यात्व की मंदता है। राग और द्वेष के भाव तो मंद हो चुके थे, उस भूमिका में मिथ्यात्व मंद होता है, तो हमारी पूरी साधना का अभी का जो अगला पड़ाव है वह मिथ्यात्व की मंदता पर है। और मिथ्यात्व की मंदता माने क्या, कि जैसे ही कोई भी विकल्प उत्पन्न हो मैं उस विकल्प में खड़ा हूं या ज्ञान में खड़ा हूं, मैं कहां का अनुभव कर रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं, मैं कहां बैठा हूं, तो विकल्प में बैठा हूं तो समझना ज्ञान दूर दिखता है, और ज्ञान में बैठा हूं तो विकल्प दूर दिखता है, तो ये पता चलेगा। यदि ज्ञान में तो विराजमान है तो विकल्प को दूर देख सकेगा, तो जितना जितना विकल्प दूर दिखाई दे उतना समझना कि तेरी यात्रा सच्ची चल रही है, क्योंकि उस भूमिका में वहां कोई गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि देशना तो पहले तीसरी लब्धि में हो चुकी है, यहां तो प्रयोग चल रहा है, प्रयोग के काल में गुरु नहीं होंगे, इसलिए अभी जो तुम सत्संग सुन रहे हो ये देशना हो सकती है, मगर प्रयोग जब तुम करोगे उस प्रयोग में गुरु नहीं होंगे। इसी वजह से उस प्रयोग के काल में जीव मार्ग से डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां उसे हाथ पकड़ करके ले जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जिसने उस देशना लब्धि में चैतन्य तत्व का स्वरूप और जहां जहां पर भूल होने की संभावना है उसे यदि समझ लिया हो तो अनुभूति का मार्ग इतना सहज हो जाता है कि ज्ञान जानना 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 जानना, सब विकल्पों को एक 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 ही श्रेणी में रखना, विकल्प मात्र। जैसे तुमने ये सुना ने, मैं चैतन्य परमात्मा कैसा हूं, ये ज्ञान मात्र हो, बहुत सूक्ष्म भाव है इसका, बहुत सूक्ष्म भाव है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान किसे जानता है उस पर जोर नहीं देना है, ज्ञान किसे जानता है उस पर जोर नहीं देना है, जानना हो रहा है। दो बात समझना, ध्यान से समझना, ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दर्पण है
तो दर्पण में टेबल है प्रतिबिंबित हुआ, कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, हमें ये नहीं देखना है। तो दर्पण की तरह ज्ञान को लो, ज्ञान का विषय कौन बनता है उसे हमें नहीं देखना है, ज्ञान का विषय कौन बनता है उसे नहीं देखना है, सिर्फ ये कि ज्ञान है। ऐसे ही अब यहां पर आ जा कि विकल्प का विषय कौन बन रहा है उसे नहीं देखना है, विकल्प मात्र को देखना है। क्या भाव हुआ कि ज्ञान टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, कुछ नहीं, ज्ञान मात्र ज्ञान है, उसकी क्वालिटी देख कि ज्ञान मात्र ज्ञान है। ऐसे ही विकल्प किसके लक्ष्य से हुआ है वो नहीं देखना है, विकल्प की क्वालिटी देखनी है। पत्नी के लक्ष्य से विकल्प हुआ या महावीर भगवान के लक्ष्य से विकल्प हुआ, किसके लक्ष्य से हुआ ये मत देख, विकल्प हुआ है। तो ज्ञान को ज्ञान की जाति से देखना, कौन ज्ञेय बना वो नहीं देखना, और विकल्प को विकल्प की जाति से देखना, किसका विकल्प हुआ ये नहीं देखना है, विकल्प हुआ। तो जब विकल्प को विकल्प की जाति से, ज्ञान को ज्ञान की जाति से देखा तो ज्ञान और विकल्प का मिलन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विकल्प किसके लक्ष्य से हुआ है वो नहीं देखोगे तो पूरा आकुलतामय उसकी जाति दिखेगी, ये पूरा आकुलतामय। और ज्ञान को किसे जानता है ये न देखोगे तो मात्र चैतन्य सत्ता ही दिखेगी, और चैतन्य सत्ता और आकुलता के बीच में कोई मुलाकात नहीं होती। इसलिए ये भेद जिसके अंदर हो गया कि अब वो कौन सा विकल्प है उसका असॉर्टमेंट वहां पर नहीं करना, ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग से ही भेद ज्ञान होता है, किसका विकल्प कुछ भी लेना देना नहीं है, किसके लक्ष्य से विकल्प हुआ कुछ भी लेना देना नहीं है, विकल्प 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 है, बस ऐसा ही ये पूरा भाव है, पूरा भाव है। वहां पर ये विकल्प ही नहीं, मात्र 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 चैतन्य चैतन्य, विकल्प पर जोर नहीं है, उसमें कौन सा विकल्प, ऐसा भेद नहीं करता, भेद नहीं करता। कौन सी शराब पिएगा तो तेरा शराब पीने का जो त्याग है उस त्याग से तू बच जाएगा, तेरा त्याग कि कोई भी शराब पिएगा वो त्याग है, वो त्याग उसका छूट जाएगा, कौन सी वाला भेद नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो कौन सी स्त्री के प्रति बुरी नजर न करना, कवारी या फिर शादीशुदा, काली या गोरी, कोई नहीं, स्त्री मात्र वर्ज्य है। वहां पर कैसा भाव आता है, वहां भेद नहीं करते हैं, किसी का रुपया उठा ले तो चोरी है या सोना उठा ले तो चोरी है, कि चोरी, उसमें क्यों भेद करते हो। ऐसे ही विकल्प में भेद न करना कि विकल्प मात्र विकल्प है, विकल्प मात्र विकल्प है। फिर पूजा करने का, भक्ति करने का, देव दर्शन करने का, ये सत्संग सुनने का, क्योंकि जब तक तू विकल्प को विकल्प के स्वभाव से नहीं देखेगा तब तक तुझे उससे ध्यान ही नहीं हटेगा, तुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कोई दोष में पड़ रहा हूं। इसलिए मुनिवर राम सी इस पाहुड़ दोहा में ये गहरे प्रयोग है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं और आज अंत में इसका प्रयोग भी करते हैं। देखो दोहा है 141वां। नमियो सीताम जिनवर जामण मुनियो सी देह मज्जमी, जय मुनि उदेह मज्जमी ताके नवज्जये कस। हे जिनवर, जब तक मैंने देह में रहे हुए जिन को न जाना तब तक तुझे नमस्कार किया, परंतु जब देह में ही रहे हुए जीन को जान लिया तब फिर कौन किसको नमस्कार करे।
हे जिनवर, जब तक मैंने देह में रहे हुए जिन को न जाना, ये भी जिन है, संयोगी जिन, अयोगी जिन कहते हैं, ये मूल शब्द जिन है। जिन, जीन शब्द लिखते हैं ना, उसमें दो प्रकार से ऐसा उपयोग होता है, एक जीन होता है और एक जीन होता है, रस्व और दीर्घ। तो जो रस्व वाला होता है आगे, उस जीन का अर्थ तो जिनेन्द्र भगवान है, जो छोटा ई है, और बड़ा ई जब होता है तो उसका जीन हो जाता है, वो जो भूत पलीत के लिए जो उसका उपयोग करते जीन कहते हैं ना, उसको जीन आता है। अब ये व्याकरण की दृष्टि से लोगों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए कहीं कहीं वो जीन के बदले में जीन लिखते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आता, मगर हमें भाव वो समझना है कि जो जीन है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वे जीन है, वे ही जीन है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता अर्थात इंद्रियों को नष्ट नहीं किया है, जिन्होंने ये देखा कि इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर जाता ही नहीं है, और ये ज्ञान यहीं पर ही है, फिर उन इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारों को, उन इंद्रियों की खिड़कियों को, मैं खिड़की भी कैसे कहूं, अपने कमरे में एक ज्योति चलती है, एक दिए की ज्योति चलती है, कल रात्रि में हमने प्रयोग किया था ना, बहुत सूक्ष्म प्रयोग था वह, जो ज्योति का देह परिवर्तन का प्रयोग था, रात्रि में देह का परिवर्तन, ज्ञानी जब जिस भूमि से देह को त्याग देते हैं, परसों यहां पर इस भूमि पर जो सत्संग अधूरा था, उस सत्संग को पूरा करने के लिए यहां आना पड़ा है, ये सत्संग पूरा हुआ, क्योंकि कल रात्रि में ये जो अधूरा था वह सत्संग कल उमराला में चल रहा था, रात्रि में 12 बजे तक, तो 11 तक तो अपना सत्संग कुछ चला होगा, उसके बाद में भी दिन बदल गया था, मगर क्या भाव आया था, जो यहां पर हमारा सत्संग चल रहा था और यहां पर जो खिड़की है, यहां प्रकाश है और खिड़की से प्रकाश बाहर जाता है, तो क्या हुआ कि कमरे में जो उस ज्योति का प्रकाश जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, बाहर फैल गया। आपने देखा होगा ना, यदि कमरे में जो बल्ब जलाया हो और चारों ओर से खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, रात्रि का समय है, खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो प्रकाश बाहर नहीं जाता है, और कमरे के भीतर प्रकाश बढ़ जाता है, क्योंकि जो बाहर जाकर के खंडित हो रहा था, मगर आत्मा का ज्ञान आंख के माध्यम से, ये आंख की खिड़की से बाहर जाता, या फिर स्पर्शन इंद्रिय की, हाथ की खिड़की से बाहर जाता, घ्राण इंद्रिय की खिड़की से बाहर जाता, तो फिर आत्मा यहां जो ज्ञान स्वरूप और बिल्कुल ही रंच मात्र भी जिसका ज्ञान घटा नहीं है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है वह क्या है, वह इसको बताता है कि वह ज्योति खिड़की से बाहर नहीं जा रही है, इसलिए यहां का अनुभव, उस अनुभव से ही यह देखना बाहर नहीं जा रहा है, और परिपूर्ण ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश खिड़की में से बाहर चला गया, खिड़की में से बाहर चला गया, तो फिर ये यहाँ जो कमरे में प्रकाश
किंचित भी कम हुए बिना जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो वह कौन है। ऐसे ही तू बैठ और बैठ करके ये विचार कर, आज रात्रि में भी ये विचार करना, वह सत्संग में तुम्हें भेजूंगा, ये विचार कर कि जो ज्ञान सत्ता है, यह ज्ञान सत्ता यदि इंद्रियों से जब जगत को जानती हुई दिखाई देती है, आँख से दीवार को, दरवाजे को, खिड़की को देखती हुई ये ज्ञान की सत्ता, जानती हुई ये ज्ञान की सत्ता जो दिखाई देती है, यदि ये इंद्रियों से बाहर जा रही है तो यहाँ अपने ही असंख्य प्रदेशों में जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव किसको हो रहा है? ये अनुभव, ये तो प्रत्यक्ष है ना। तो फिर इन परमाणुओं ने मेरा क्या बिगाड़ा है? जिस देह को मैं व्यर्थ में ही बदनाम करता हूं, उस देह ने मेरा क्या बिगाड़ा है? उन खिड़कियों से मैं नफरत क्यों करूं? जिस खिड़की से ये ज्ञान की ज्योति बाहर जा ही नहीं रही, ये ज्ञान का प्रकाश बाहर जाता ही नहीं, और कल वो महत्वपूर्ण बात थी कि ज्योति यहाँ पर है और प्रकाश दूर दूर तक जाता है, यहाँ तो ऐसा है कि ज्ञान यहाँ पर है और ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश भी यहाँ पर है, वो फैलता ही नहीं है। ज्ञान वह है कि जिसका कुछ भी नहीं फैलता, वो तो पुद्गल है ना, पुद्गल की ज्योति का प्रकाश फैलेगा, थोड़ा और तेल डालोगे तो ज्यादा फैलेगा, क्योंकि वह बाती और तेल से जलने वाली है, इसलिए वो फैल सकती है। यहाँ न बाती है न तेल है, इसलिए अपने में ही रह करके जानना 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 ये परिणमन होता है। ये अद्भुत भेद ज्ञान के लिए, ये प्रयोग के लिए कि इंद्रियों से ये ज्ञान बाहर फैलता नहीं है। जो ज्योति का अधूरा प्रयोग था वो कल रात्रि में पूरा हुआ, मगर पूरा होते होते भी जो अधूरा रह गया था वो आज इसी भूमि पर, ये भी सहज इत्तफाक है। इससे तुम समझ सकते हो कि जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र पर जो घटना अधूरी रह गई हो, उसी क्षेत्र पर जाकर के पूरी हो सकती है, सहज ही। प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है, और उस व्यवस्था को भी सुअवस्थित जो देखता है, जानता है और अपने को उसमें जोड़ता नहीं है, बस वही ज्ञानी है। जीन वह है कि जिनका उपयोग इंद्रियों से अब पर में जो जाता था, अब वो जाता नहीं, वह जीन है। मगर जब यहां भीतर में देखा तो मेरा उपयोग भी इंद्रियों से बाहर कहां जा रहा है, तो मैं भी तो जीन हूं, मैं भी तो जीन हूं। मगर ये पाप करता हुआ जीन कैसा? एक ओर से पाप करे, क्रोध मान माया लोभ के कषाई करे, शिथिलाचारी हो, और फिर भी जीन, फिर भी जीन, क्योंकि उस समय जिस जीन को जीन कहा है उसने पाप नहीं किया है, वह जीन है, और उसने पाप नहीं किया ना, इसलिए उसका स्वभाव भी आनंद रूप ही रहा है। द्रव्य का स्वभाव है ज्ञान और आनंद। वह ज्ञान इंद्रियों से जो बाहर नहीं जाता, वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है तो आनंद भी आत्मा का स्वभाव है, और उसके बीच में ही एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। इसलिए जैसे ही इस ज्ञान स्वरूप को देखता है तो तुझे आनंद स्वरूप भी तुझे दिखाई देता है, बस पूरा का पूरा वह आनंद स्वरूप, एक में ही दूसरा तीसरा ऐसे अनंत गुणों का रूप अंदर में है। एक में शुद्धता देखी कि बस सब 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 निर्मल 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 निर्मल, ऐसी निर्मलता, एक में ही ज्ञान में ही स्वच्छता देखी, तो फिर उस स्वच्छता से ही फिर दूसरे गुण को, तीसरे गुण को,
इसलिए एक में दूसरे का तीसरे का ऐसे अनंत गुणों का रूप है। जब बेटा तुम्हारे सामने आता है तो आंख नहीं आती है, उस आंख के साथ में कान भी आए हैं। वो बच्चा पूरा आया है क्योंकि वो यूनाइटेड है। ऐसे ही जब तुझे अनुभव होगा कि ज्ञान, तो ज्ञान का अनुभव होते ही उस समय तुझे विकल्प नहीं रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा कि ये ज्ञान, उस समय ये आत्मा। जैसे सामने से बेटा आया और आते हुए बेटे को देख करके इसे तूने उठाया, तो उस समय वह भाव ही नहीं रहा कि बेटे को कैसे उठाया है, कोई भाव नहीं आता। विकल्प यदि उस समय आ जाए तो बेटे की मस्ती नहीं है कि ये मेरा बेटा। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति होते ही ये पूरा ऐसा अभेद अनुभव होता है कि यही आत्मा है, मैं जीन हूँ। ज्ञान मात्र का अनुभव ही जीन स्वरूप चैतन्य परमात्मा का अनुभव। इस ज्ञान के अनुभव में वे परमाणु भी, वे विकल्प भी अंदर नहीं रहते। अनुभूति होने पर एक अपूर्व चमत्कार ऐसा होता है कि जो भ्रम से ये माना था कि मैं चैतन्य परमात्मा, भ्रम से माना था कि ये देह बहुत जन्म मरण कराए है, इस शरीर ने जन्म मरण कराए, मानते हैं ना अपना शरीर जन्म मरण कराता है। अपना शरीर तो माना है, पराये का शरीर भी माना है ना, स्त्री नरक में भटकाती है वो भी पराये का शरीर हो गया। यहाँ कहते हैं अपना शरीर भी मुझे संसार में नहीं भटकाता तो पराये का शरीर क्या भटकाएगा, क्योंकि जो ज्ञान है उस ज्ञान को इंद्रिया भटकाती ही नहीं है। ज्ञान उसी का नाम है जिसे इंद्रिया न भटकाए, ज्ञान 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 मात्र। इसलिए इस देह को त्याग करके नए देह को धारण जब आत्मा करता है तो इंद्रियों में से बाहर निकलता ही नहीं है। ये तो दृष्टि इतनी इतनी देहाधीन थी इसलिए हम इसे कहते देह में से निकल गया। मात्र सत्ता को देख तो सत्ता कहाँ से निकली, वो कहाँ कहाँ फैली थी, कहाँ फैली थी, वो जहाँ पर है वहीं पर से ही निकला है। उसको ही कहते हैं स्वभाव की स्पर्शना। बस कहाँ से निकला, वो रत्न है, वो रत्न जो तूने थैली में रखा है और उस रत्न को थैली में से ऐसे तूने हाथ से पकड़ करके फिर उस रत्न को ले गया और फिर तूने दूसरी थैली में रखा तो तुझे लगता है कि पहली थैली में से रत्न निकल गया। तू सिर्फ रत्न को देख, उसकी चमक को देख, तो वो थैली में कहाँ पर थी चमक? क्या थैली चमक वाली थी? क्या थैली के अंदर वो रत्न के परमाणु मिले थे? इसलिए तुझे लगेगा कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि रत्न थैली में से निकल करके दूसरी थैली में गया। एकमात्र रत्न को देख तो थैली और थैली जैसा कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान को देख, इस ज्ञान का प्रयोग कर कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस देह में आया ही नहीं, क्योंकि जिन जिन परमाणुओं को मैं देखता हूं उन परमाणुओं में मैं अपना अनुभव नहीं करता, अपना अनुभव ज्ञान में ही करता हूं। ज्ञानी मृत्यु से निर्भय इसलिए नहीं होता कि मृत्यु आएगी मैं मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं मृत्यु आ जाए, मुझे डर नहीं लगता मृत्यु से, मृत्यु आनी है तो आ जाए, आज नहीं तो कल आएगी, मृत्यु आ जाए मैं तैयार हूं। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। ज्ञानी की श्रद्धा है कि मृत्यु जैसा है ही नहीं कुछ। इतना जोर तू अंदर में ला कि मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप रहता है, देह में गया नहीं था तो नए देह में जाता नहीं है। जो ज्ञान की सत्ता मात्र है उतना जोर इस देह में से निकल उससे पहले, मगर निकले कौन? जो गया है वो निकले नहीं।
उस समय तो अब अंतर्मुख होता है। ये अंतर्मुख होने का प्रयोग है, ध्यान का ये अपूर्व प्रयोग है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति देह में से निकला ही नहीं, क्योंकि देह में था नहीं। और बात दोनों की एक समान है, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, ज्ञानी को मृत्यु नहीं आती है, अज्ञानी को मृत्यु आती है, ऐसा नहीं है। अज्ञानी को भी मृत्यु नहीं आती है, अज्ञानी भी मरता ही नहीं है, सिर्फ ज्ञानी उस स्वभाव के साथ में ऐसे अभेद अनुभव करते हैं, इस वजह से उन्हें लगता ही नहीं है कि ये मृत्यु। यही इस पावर दोहा में ये जीन का भाव है, निर्विकल्प अनुभूति में जैसे जैसे द्रव्य का जोर आता गया कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, चिंतन चल रहा है, मगर फिर भी श्रद्धा ये कहती है चिंतन चल रहा है, उससे भी अलग मैं ज्ञायक देव हूँ। ये मनन चल रहा है, उस मनन से पार, क्योंकि मेरे में मन नहीं है, मनन हो कैसे, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, चित्त ही मेरे में नहीं है, चिंतन करूँ कैसे, ये ध्रुव चैतन्य मैं हूँ, घोलन करूँ कैसे, क्योंकि घोलन तो जहाँ पर कुछ मिलावट हुई हो, जहाँ दही जम गया हो, वहाँ पर घोलन करो तो फिर छाछ हो जाती है, मगर यहाँ जमा हुआ कुछ भी नहीं है, ये तो घन है, ये सॉलिड है, यहाँ नया कुछ नहीं जमा है कि जैसे घी जम गया है और आग पर रखो तो पिघल जाए, बर्फ जम गया है कि उसे फ्रिज में से निकालो तो पिघल जाए, ऐसे ये घन सत्ता ये जमी हुई ही नहीं है, ये उसका स्वभाव है, और स्वभाव मात्र का अनुभव करने पर अब मेरी मृत्यु नहीं है, मैं स्वयं जीन स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। जब मैंने अपने जीन को, निज जीन परमात्मा को देखा, जब मैं निज जीन परमात्मा को देखता हूं तो पराये जिन का, अब मैं किन पराये जिन का दर्शन करूं, नीज जिन चैतन्य, क्योंकि दर्शन करने वाला जो है वही वहां पर नहीं रहता, वही मर गया, दर्शन करने वाला विकल्प था, घर पर थे घर पर विकल्प आता था, घर पर थे घर पर विकल्प आता था कि वहां पर दर्शन करने के लिए जाओ, ये विकल्प आता था, और मंदिर में गए दर्शन किए, मगर फिर निज मंदिर में विराजमान जो ये चैतन्य परमात्मा है, इस निज मंदिर में विराजमान चैतन्य परमात्मा में अंतर में वो दर्शन दो हाथ से नहीं हुए, वो दर्शन मस्तक झुका करके नहीं, वहां पर देह की प्रधानता थी, पराये के दर्शन में देह की प्रधानता थी, इसलिए महावीर भगवान के दर्शन करते हैं तो पद्मासन में महावीर भगवान विराजमान है, खड़गासन मुद्रा में महावीर भगवान है, कृपालु देव के दर्शन करते हैं तो परम कृपालु देव की ये सोती हुई जो मुद्रा है, विश्राम की जो मुद्रा है, माने ये जो देह की मुद्रा है वो तब दिखाई देती है जब आंख से देखते हैं, जब ज्ञान से अनुभव होता है तब उसमें वो आकार नहीं दिखाई देता, इसलिए अग्नि का अनुभव हुआ, कोई कहे कि चौरस थी, गोल थी, लंब चौरस थी, त्रिकोण थी, वो अग्नि कैसी थी, कुछ नहीं, गर्म थी, जो मीठा रस जीभ पर आया वह चौरस था, रसगुल्ला होता है गोल, मगर जीभ पर आया तब वो गोल अनुभव में आया या मीठा अनुभव में आया,
तो ऐसे ही परमात्मा के दर्शन करते तो वहाँ पर तो आकार दिखता है, और जहाँ आकार दिखता है वहाँ पर इस हाथ के आकार की भी फिर प्रधानता है। हाथ जोड़ा या नहीं जोड़ा, फिर मस्तक झुकाया या नहीं झुकाया, घुटने टिकाए या नहीं टिकाए, पूरी तरह से मन वचन काया से नमस्कार किया या नहीं, क्योंकि पराया वहाँ पर आकार के साथ में है, देह के साथ में है। जहाँ पराये का देह आता है तो यहाँ पर भी देह की मुख्यता आ जाती है, मगर ध्यान में डुबकी लगती है तब वहाँ देह नहीं है, इसलिए देह किस आकार में है वह नहीं दिखता। उस जिन को परम जिन कहा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। परम कृपालु देव की ऐसी स्वरूप में जो स्थिरता है, इसलिए ये आश्चर्य लगे कि न पद्मासन में न खड़गासन में कृपालु देव की ऐसी मुद्रा तो हमने कहीं देखी ही नहीं थी। जितनी भी भगवान की मुद्रा देखी, ऐसी मुद्रा वाले भगवान कभी देखे ही नहीं थे, मगर परम कृपालु देव वहां पहुंच गए हैं। वो जहां विराजमान है वो पूर्ण प्रामाणिकता है, वो हठ योगी नहीं है। परम कृपालु देव योगी है, हठ योगी नहीं है कि मैं तो चौकड़ी लगा करके, पालथी लगा करके ही बैठूंगा। हठ योगी नहीं है, देह की स्थिति जैसी है ऐसी होती है, मगर सिर्फ इतना कि अनुभव स्वभाव का होता है या आकार का होता है, इतना भेद उन्हें समझ में आया है। इसलिए परम कृपालु देव उस स्थिति में भी ये कह रहे हैं, अब कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ऐसा नहीं कहते मैं पद्मासन में बैठूंगा तब लीन होऊंगा, ऐसा नहीं कहते मैं जब खड़गासन में खड़ा रहूं तब मैं लीन होऊंगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि वह देह उस साथ न दे उसकी वजह से अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। अनुभूति इतनी स्वतंत्र है, वो 18 अंग जिसके टेढ़े हैं ऐसे ऊंट को सम्यक दर्शन हो सकता है? ये देह को तुम मत देखना, किसी का देह पहले से ही अभी इस पंचम काल में तो हमारे सबके देह, कौन आज मैं आपको कहता हूं कि आप में से कौन अभी वो पैर के ऊपर पैर ऐसे करके पद्मासन में बैठा है? मैं बड़ी मुश्किल से अर्ध पद्मासन में बैठ पाता हूं, 5 मिनट बैठा कि नहीं बैठ पाता। ये पंचम काल के देह है, और इस पंचम काल में ऐसी स्थिति होगी कि जहां देह हमें हर बार ये साथ न दे। ये तस्वीर में बना लेना बहुत आसान है, तस्वीर में हम पैर के ऊपर पैर करके तस्वीर कर देते हैं, तस्वीर है वो खाली एक समय की खींची गई तस्वीर है, और सिर्फ उतना ही यदि अंतर में स्थिरता होती तो नरक में नार की एक दूसरे के शरीर के जब टुकड़े करते हैं, सातवें नरक में एक दूसरे को जब मारते हैं काटते हैं, इतनी इतनी लड़ाई होती है, उस समय नार की अंतर में चला जाता है तो सम्यक दर्शन पा लेता है। तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि में उसका वर्णन तुम पढ़ो, तुम चौंक जाओगे। तत्वार्थ राजवार्तिक में उसमें भी राज आ गए, बहुत अद्भुत शास्त्र है, उसका अध्ययन करो तो पता चलेगा कि देह में हम कहाँ अटके थे। ये देह जैसा रहे, जहां रहे, जिस स्थिति में रहे, सिर्फ इतना कि रत्न थैली के अंदर नहीं गया, अपनी चमक को उसने थैली को उधार नहीं दिया है, बेच नहीं दिया है अपनी चमक को कि ले थैली मेरी चमक तेरे को देती। वो रत्न जो है वो रत्न स्वयं प्रकाशमयी है। ऐसे ही इस ध्यान का आज आप प्रयोग करना कि इंद्रियों में गया नहीं हूं, मृत्यु जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। जब स्वभाव को देखे तो अज्ञानी की भी मृत्यु नहीं है, स्वभाव को देखे। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय, जब तक अंदर नहीं गई थी तब तक तो करता था, जब तक तेरा ध्यान परमे था
तब तक तो जन्म है और मरण है। जब तक तू थैली में रत्न को देखता है तो तुझे लगेगा कि दूसरी थैली में गया, क्योंकि तूने पहली थैली में देखा है। जो पहली थैली में भी नहीं देखता, दूसरी थैली में कैसे देखे? ऐसा यह ज्ञान मात्र, यह ज्ञान मात्र चैतन्य, यही मैं। करो प्रयोग। निज चैतन्य परमात्मा, निज जीन परमात्मा, इंद्रियों के द्वार से, छिद्र से बाहर नहीं जाता और मेरा होना इसका प्रमाण है। मेरा होना कहते ही ये ज्ञान मात्र, ज्ञान की सत्ता, उसे आज भूलने का अभ्यास करना। भूलने का माने उसको प्रधानता देना बंद करते जाना। आज जब आप प्रयोग करें, परमाणुओं को देखें, ये देह के जो अंग हैं, ये देह बस इसी प्रकार से निरीक्षण करें, ये देह में वो ज्ञान जो सत्ता उसमें गई होती तो ये परमाणु स्वयं जानने से परिणमित होता और आत्मा का ज्ञान थोड़ा कम होता। नहीं तो क्या होता कि देह में ज्ञान चला जाता तो पूर्व भव में मनुष्य का देह, कुत्ते का, बिल्ली का जो शरीर था उसमें यदि ज्ञान मिल गया होता, ज्ञान यदि उसमें मिल गया होता तो फिर कभी पूर्ण ज्ञान का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो खाली हो गया मैं। और थोड़ा 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 एक एक शरीर में थोड़ा कम होता जाएगा तो अब तक तो खत्म हो गया होता, मगर अभी भी मैं परिपूर्ण क्यों हूं? क्योंकि अनंत देह के धारण करने पर ज्ञान वो देह में गया ही नहीं था। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा में ही रहता है, ऐसा पूर्ण अनुभव कर। वर्तमान में भी ये देह बिल्कुल ही असार और साक्षात जड़ है, सिर्फ और सिर्फ मुर्दे के रूप में इस देह को देख, बिल्कुल ही उसी श्रेणी में। इसलिए परम कृपालु देव की इस मुद्रा को देख करके, पास में जा करके उन परमाणुओं को और इन परमाणुओं में अंतर न देखना और एक ही ढेर में रखना, जैसे एक कुर्सी पड़ी हो और उसके पास में दूसरी कुर्सी पड़ी हो, ऐसे ही ये परम कृपालु देव का, देह का जो आकार है उसके पास में ही ये मांस का आकार, और इसे पास में रख करके
एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी पास पास में पड़ी है, मगर दोनों अचेतन है। जितनी अचेतन वहां की प्रतिमा है उतनी ही अचेतन यह भी प्रतिमा है। सिर्फ अचेतन के रूप में ही इसे देखे तो फिर ज्ञान की सत्ता, दोनों को भेद करके न देखना, आज इसी का प्रयोग करना। कृपालु देव की तस्वीर आप सभी के घर पर है, परम कृपालु देव का चित्रपट है ना, आज चित्रपट के सामने बैठना और चित्रपट में और इस देह के परमाणु में बस एक ही साथ में एक ढेर में देखना। ना उस चित्र में कृपालु देव है, क्योंकि कृपालु देव चैतन्य सत्ता है, न इस देह में चैतन्य सत्ता है, क्योंकि मैं परमात्मा ज्ञान से भरपूर हूं। मैंने पुद्गल पुद्गल में जो ये भेद किया है कि आज तो ये जिंदा हूं और कल मर जाऊंगा, आज ही ये देह मृत है, आज ही ये देह मृत है, उस देह को मृत के रूप में देखने का अभ्यास करने पर जो सत्ता जानने से परिपूर्ण है उस पर जोर आता है। इसका आज शाम को रात को आप प्रयोग करते हुए विश्राम करना। मैं आपको कल रात्रि का जो ध्यान का प्रयोग हुआ था वो आज रात होने से पहले आपको भेज दूंगा, और चैतन्य कनेक्शंस के जो सत्संग हमें वैसे प्रारंभ करने थे आज इस बार सैटरडे संडे से, वो अभी अगली बार से शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी पूरी थोड़ी तैयारी वगैरह सब करना पड़ेगा और अपने पास में अभी वो हुई नहीं है, इसलिए अगले शनिवार रविवार से फिर अपना चैतन्य कनेक्शंस अच्छी तरह से प्रारंभ होगा। रविवार के दिन भी आप परमात्मा तात्कालिक सत्संग के लिए आ गए और सहज ही ये भाव आया था इस भूमि पर, इस भूमि ने हमेशा ऐसे ही खींच करके लो चुंबक की तरह बुलाया है, और हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, जब जहाँ मन हो जाए चले जाते हैं, मन हो गया तो यहाँ आ गए, भाव आ गया आ गए, दिमाग पर कम जोर देते हैं हृदय पर ज्यादा, और ये हृदय के भाव थे तो सहज संयोग हुआ, और आपके लिए भी परम कृपालु देव के इस पावन भूमि के दर्शन भी हुए, देह परिवर्तन की इस भूमि के दर्शन भी हुए। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो जिनकी दशा वरते दे।